चलिए, तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं 3 सितंबर 2020 का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर। हियर इज द क्वेश्चन नंबर 1। लेट बॉक्स ऑफ टी बी द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन आर इक्वल टू टी, सम ऑफ लैम्डा नॉट इक्वल टू 0 एंड 1, दिस लिमिटिंग वैल्यू इज एल। अच्छा, इफ दिस लिमिट इज एग्जिस्ट इट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एंड बोथ लिमिटिंग वैल्यू इज इक्वल टू एल। नाउ वॉट इज लेफ्ट हैंड लिमिट? लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट एस टेंडिंग टू 0 मॉड ऑफ 1 माइनस 0 माइनस एच प्लस मॉड ऑफ माइनस एच डिवाइडेड बाई लैम्डा माइनस ऑफ 0 माइनस एच प्लस बॉक्स ऑफ 0 माइनस एच। एंड बॉक्स ऑफ 0 माइनस एच मीन्स माइनस 1। दिस लिमिटिंग वैल्यू इज इक्वल टू 1 plus 2 is to 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 का मॉड। नाउ राइट हैंड लिमिटिंग वैल्यू इज लिमिट एस टेंड्स टू 0 1 0 प्लस एच मॉड ऑफ 0 प्लस एच डिवाइडेड बाय लैम्डा 0 प्लस एच 0 प्लस एच का बॉक्स 0। दिस वैल्यू इज 1 अपॉन लैम्डा, बोथ आर इक्वल, यानी 1 अपॉन मॉड ऑफ लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन मॉड लैम्डा। दिस इम्प्लाइज लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू माइनस लैम्डा, यानी कि लैम्डा इक्वल टू हाफ। नाउ लिमिटिंग वैल्यू एल इज इक्वल टू 1 बाई मॉड लैम्डा दैट इज 2, देन दिस आंसर इज 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। Now for question number 3, firstly we simplify this determinant. So for this determinant we R2 replace by R2 minus 2 R1 and R3 replace by R3 minus 3 R1. Now this determinant delta is equals to x minus 2, 2x minus 3, 3x minus 4, 1 minus x plus 2, minus 2x plus 3, 1 minus x plus 1 and x minus 5. Again R3 replaced by R3 minus R2, then this delta becomes x minus 2, 2x minus 3, 3x minus 4, 1, 2 minus x, 3 minus 2x, 0 minus 1, 3x minus 8. Now after multiplication this delta is becomes x minus 2, 3x minus 8, and this becomes delta is becomes minus 3x cube plus 12x square minus 15x and the constant is plus 6. Now compare a equal to minus 3, b equal to 12, c equals to minus 15 and d equal to 6. We have to calculate b plus c, then 12 minus 15, this value is minus 3. The question number 2, answer 1 is correct. Next we have to solve question number 3. The solution of the curve differential equation this. तो सबसे पहले इसको लिखेंगे y वाले टर्म एक साथ कर लूँ तो 1 plus y square plus y square equal to dy और x वाले टर्म सारे एक साथ कर लूँ तो e की पावर x upon 1 plus e की पावर x into dx दोनों साइड इंटीग्रेट कर दूँ तो यहाँ पे आएगा dy by y square plus integration dy equals to integration e की पावर x upon 1 plus e की पावर x dx। ये हो गया 1 बाई वाई, ये हो गया वाई, ये हो गया एल एन 1 प्लस ई की पावर एक्स प्लस सम कॉन्स्टेंट सी। अब इस पे लाई करता है 0, 1
ऑन द कर्व। तो जैसे 0.1 सेटिस्फाई कराओगे 1 माइनस 1 इक्वल टू ln 2 प्लस सी, तो सी की वैल्यू आ जाएगी -2। तो ये वाली सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये बनेगा y² - 1 / y इज इक्वल टू ln 1 प्लस e की पावर x माइनस ln 2। तो y² - 1 इज इक्वल टू y ln 1 प्लस e की पावर x / 2। तो यहाँ से y² की वैल्यू क्या निकल के आएगी, दैट इज 1 + y ln 1 प्लस e की पावर x / 2। यानी करेक्ट ऑप्शन जो है वो इस क्वेश्चन का आ रहा है सी, दैट इज थर्ड ऑप्शन। यानी थर्ड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो अगर हम पहली लाइन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो पहली लाइन है उस पर जो पॉइंट है वो है 1, -1, 0, और जो इसका DRS है वो है 2, 0, 1। और अगर हम दूसरी लाइन की बात करें L2 की, तो L2 लाइन के लिए जो पॉइंट है वो है 2, -1, 0, और इस लाइन का DRS है 1, -1। तो इसका मतलब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि वी कैन सी दैट कि 2 × 1 + 0 × 1 + 1 × -1 दिस इज क्लियरली नॉट इक्वल टू 0, देन L1 and L2 नॉट पैरेलल लाइन। अब एक बॉक्स चेक करेंगे, दैट इज x1 - x2, y1 - y2, z1 - z2, a1 b1 c1, a2 b2 c2। दिस डिटरमिनेंट को चेक करेंगे तो वो आएगा 1 - 2 - 1 + 1 - 0 - 0, 2 0 1 1 1 - 1। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे तो ये डिटरमिनेंट सिंप्लीफाई होके आ जाएगा -1 0 0 2 0 1 1 1 - 1। तो क्लियरली हम इस डिटरमिनेंट की वैल्यू को कह सकते हैं दिस इज 1। ये डेल्टा जो है नॉट इक्वल टू 0 आया, इट मींस बोथ लाइंस नेवर इंटरसेक्ट्स ईच अदर फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एल एंड एम, बिकॉज L1 and L2 आर स्क्यू लाइंस। इसका आंसर हो गया 4। मतलब L1 and L2 की किसी L और M की किसी भी वैल्यू के लिए दोनों लाइनें कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती क्योंकि ये दोनों स्क्यू लाइन्स हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ इक्वेशन दिस। तो यहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिल गई कि अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी एंड अल्फा बीटा इज 2। नेक्स्ट इक्वेशन में कहा गया 1 / α 1 / β आर द रूट ऑफ 2x² + 2qx + 1। तो यहाँ से मिल गया 1 / α + 1 / β इज माइनस क्यू और 1/α β इज हाफ। अब दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा α β - β β + 1α β, और ये सिंप्लीफाई होकर रिजल्ट आ जाएगा α β + 1² / α β। और सारी वैल्यू रख दो, α β = इसको आप लिख देंगे α β² - 2α β / α β, और ये हो जाएगा 2। और यहाँ से ये रिजल्ट आ जाएगा 2 + 1 = 3/9 / α β = 2। इसी को एलसीएम लेके सॉल्व कर दो तो 4 × 2 = 8, α β = 1,
वन अपॉन अल्फा बीटा, सॉरी 1/2 आएगा वन अपॉन अल्फा बीटा की वैल्यू। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5/2 बन जाएगा, है ना। तो ये बन जाएगा 5/2 माइनस पी स्क्वायर माइनस 4/2, ठीक है। और साथ में बाहर आएगा 9/2। तो इसको पूरा सिंप्लीफाई करेंगे तो 9/4 बाहर हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 9 माइनस पी स्क्वायर। तो दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 9/4 9 माइनस पी स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 6। तो वाई स्क्वायर प्लस एल एन कॉस स्क्वायर वाई, कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वाई दिया और एक्स माइनस 5/2 से 5/2 के बीच में लाई करता है, हमें जीरो वैल्यू निकालनी। तो सबसे पहले एक्स को जरा जीरो पुट करो तो वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई आएगा। तो यहाँ से वाई की वैल्यू 0 और 1 दोनों आ जाएंगे। फिर इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा 2y dy/dx और साथ में प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन 2x और इज इक्वल टू dy/dx आएगा। तो यहाँ से आएगा 2y dy/dx माइनस 2 sin x cos x। तो 2 tan x इक्वल टू dy/dx। अब इसमें पुट करेंगे x को 0 एंड y को 0 तो dy/dx की वैल्यू 0 0 पे कितनी आ जाएगी, 0। या x को 0 और y को 1 पुट करेंगे तो भी dy/dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 0 पे 0। इसका मतलब y डैश 0 की वैल्यू सर्टेनली 0 हो गई। अच्छा, इसी क्वेश्चन को हम फिर से डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो 2y dy/dx माइनस 2 tan x इक्वल टू dy/dx। इसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर दो तो 2 dy/dx का होल स्क्वायर प्लस 2y d2y/dx 2 माइनस 2 sec² x इक्वल टू d2y/dx 2। तो अब यहाँ पे पुट करो जरा x को 0 y को 0 और वाई डैश 0 की वैल्यू 0 रखो। तो जब x को 0 और y को 0 रख देंगे तो यहाँ से y डबल डैश 0 की वैल्यू -2 आएगी। x को 0 रखो, y को 1 रखो और y डैश 0 को 0 रखो तो y डबल डैश 0 की वैल्यू 2 आएगी। तो अल्टीमेट अगर हम y डबल डैश 0 का मॉड निकालें तो वो 2 आएगा। तो इसका मतलब y डैश 0 इज 2, y डबल डैश 0 इज 2 एंड y डैश 0 इज 0। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है 3, y डबल डैश 0 इज इक्वल टू 2। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर जो है सेम होगा। चलिए इसकी बात करते हैं। तो ये हाइपरबोला एलिप्स आपको गिवन है, एलिप्स आपको क्वेश्चन में गिवन है x² / 4 प्लस y² / 3 इक्वल टू 1। तो इसकी सेंट्रिसिटी आ गई √1 - 3/4 दैट इज 1/2। तो फोकस के कोऑर्डिनेट आ गए ±1, 0। तो सेम फोकस फॉर हाइपरबोला। अच्छा, इसके लिए ट्रांसवर्स एक्सिस की जो लेंथ होगी वो आ जाएगी आपकी 2a मतलब 4। तो फॉर हाइपरबोला लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, हाइपरबोला हैविंग ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ लेंथ 2, तो स्केल √2, ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ होगी √2 और फोकस सेम हो गए। तो इसका मतलब अगर हम हाइपरबोला की बात करने वाले हैं तो हमारा हाइपरबोला ये रहा, इसका एक फोकस हो गया 1 0 और दूसरा फोकस हो गया -1 0 और लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस
हैविंग द ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ हो गई, ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ रूट टू हो गया। तो इसका मतलब यहाँ से अगर हम हाइपरबोला की इक्वेशन ले लें, लेट इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू वन ले लेते हैं, तो ए स्क्वायर तो सीधे सीधे आ जाएगा वन बाई टू, बाई टू ए इक्वल टू रूट टू होगा तो ए की वैल्यू हो जाएगी वन बाई रूट टू, तो ए स्क्वायर की वैल्यू तो वन बाई टू हो जाएगी, और ए ई की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी वन, ए डैश की वैल्यू वन हो जाएगी यहाँ पे, तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर की वैल्यू वन हो जाएगी, डेट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो बी स्क्वायर की वैल्यू भी हाफ हो जाएगी। तो क्वेश्चन आएगी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज हाफ, अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज हाफ हाइपरबोला की इक्वेशन आ जाएगी, तो उसके हिसाब से जो पॉइंट इसमें सेटिस्फाई करेगा वो करेगा बी पॉइंट, रूट थ्री बाई टू एंड वन बाई रूट टू सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, इसका आंसर बी होना चाहिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर एट में, क्वेश्चन नंबर एट में द वैल्यू ऑफ दिस अप टू 51 टर्म, तो अगर हम इसको ध्यान से ऑब्जर्व करें, हमें पता होता है ना कि एन पी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल बाई एन माइनस आर का फैक्टोरियल होता है, तो टर्म लिखा हुआ टू इंटू वन फैक्टोरियल माइनस थ्री इंटू टू फैक्टोरियल प्लस फोर इंटू थ्री फैक्टोरियल माइनस डॉट 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 51 टर्म्स तक की बात करेंगे, तो ये आ जाएगा 52, है ना, 50 माइनस का 52 और साथ में आ जाएगा 51 फैक्टोरियल, ठीक है ना, 51 टर्म जब जाएंगे तो ये वाला टर्म आ जाएगा साथ में, वन टू थ्री फोर तो अप टू 51 तक जाएंगे तो ये प्लस का आ जाएगा, ठीक है ना, 51 टर्म्स तक जब हम बात करेंगे तो अल्टरनेट टर्म्स ए प्लस का आ जाएगा, फिर इसके बाद प्लस में रहेंगे तो ये आ जाएगा वन फैक्टोरियल माइनस टू फैक्टोरियल प्लस का थ्री फैक्टोरियल डॉट डॉट डॉट, तो इसमें भी अल्टरनेट प्लस माइनस जा रहे हैं और यहाँ पर ये आ जाएगा प्लस का 51 फैक्टोरियल, अब इसमें सारी वैल्यूज रख देंगे तो ये बन जाएगा टू फैक्टोरियल माइनस थ्री फैक्टोरियल प्लस फोर फैक्टोरियल माइनस फाइव फैक्टोरियल प्लस सिक्स फैक्टोरियल से लेके ये बन जाएगा प्लस का 52 फैक्टोरियल, और इसमें ऐड हो जाएगा आपका वन फैक्टोरियल माइनस टू फैक्टोरियल प्लस का थ्री फैक्टोरियल से लेके 51 फैक्टोरियल, तो अल्टरनेट ये सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट, टू थ्री फाइव से लेके सारे टर्म्स 51 फैक्टोरियल तक कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ से बचेगा 52 फैक्टोरियल प्लस वन, तो आंसर क्या आएगा डी 52 फैक्टोरियल प्लस वन। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर नाइन की बात करते हैं, तो टू पाई माइनस साइन इनवर्स 4/5 साइन इनवर्स 5/13 एंड साइन इनवर्स 16/65, तो हम लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स 4/5 इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स 4/3, ऐसे ही साइन इनवर्स 5/12 हो जाएगा टेन इनवर्स 5/13, तो इसको हम लिख देंगे 2π, ऐसे ही आपका साइन इनवर्स 16/65 हो जाएगा टेन इनवर्स 16/63, तो बन जाएगा टू टेन इनवर्स 4/3 प्लस टेन इनवर्स 5/13 और ये बन जाएगा टेन इनवर्स 16/63, अब इसको लिख देंगे 2π माइनस, यहाँ पे टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी का फॉर्मूला लगा देंगे, ए और बी दोनों वन से छोटे हैं तो सीधा फॉर्मूला आ जाएगा टेन इनवर्स 4/3 प्लस 5/13 डिवाइड बाई वन माइनस 20/39,
और ये प्लस आ जाएगा 10 इनवर्स 16 बाई 63, ठीक है ना। ये बन जाएगा 2 पाई माइनस, ये आ जाएगा 10 इनवर्स 52 प्लस 52 माइनस 13, तो ये वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 63 बाई 16। इसी को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 10 इनवर्स 63 बाई 16 आ जाएगा, है ना। और ये बन जाएगा प्लस 10 इनवर्स 16 बाई 63, तो ये बन जाएगा 2 पाई माइनस 10 इनवर्स 16 बाई 63 बाई 16 प्लस cot inverse 16 by 63, इसी को लिख देंगे 2 पाई माइनस पाई बाई 2, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 3 पाई बाई 2। 9 का फाइनल आंसर आ रहा है 4, दैट इज 3 पाई बाई 2। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म ऑफ दिस एक्सपेंशन, अच्छा इस एक्सपेंशन के इंटीग्रल टर्म आपको कैलकुलेट करने हैं। हाउ मेनी इंटीग्रल टर्म ऑफ दिस, तो इंटीग्रल टर्म के लिए अगर हम इसका जनरल टर्म टी आर प्लस वन लिखेंगे तो आएगा एन सी आर 3 की पावर n माइनस r/2 और 5 की पावर आएगा r/8। तो फॉर इंटीग्रल टर्म n माइनस r/2 एंड r/8 बोथ आर इंटीजर्स, है ना, ये दोनों कैसे होने चाहिए, बोथ आर इंटीजर्स, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं आर की जो पॉसिबल वैल्यू है वो 8 के मल्टीपल में आ जाएंगी, 0, 8, 16 से लेके अप टू दीज टर्म्स, है ना। और एग्जैक्टली 33 टर्म्स होनी चाहिए, एग्जैक्टली कितने टर्म्स होनी चाहिए, 33 टर्म्स। तो यानी कि आर हैविंग एग्जैक्टली 33, है ना, तो इसका मतलब आर की एग्जैक्टली वैल्यू जो है वो 33 होनी चाहिए। अच्छा, आर की जो पॉसिबल वैल्यू है वो 0 से मैक्सिमम n के बीच में लाई कर सकती हैं। तो अगर हम यहाँ से 33 टर्म कैलकुलेट करें तो निकल के आएगा 0 प्लस 32 इंटू 8, तो आ जाएगा आपका 256। यानी कि n जो है वो हमेशा 256 से ग्रेटर होना चाहिए, है ना, क्लियर है। और एक जो 8 की एग्जैक्ट वैल्यू है उससे छोटा होना चाहिए, यानी कि 264 से छोटा हो जाना चाहिए, यानी कि लीस्ट वैल्यू ऑफ एन जो है वो कितना आ रहा है, 256 आ जा रहा है। वरना अगर जैसे 264 ले लेंगे तो एग्जैक्टली 34 टर्म्स आ जाएंगे, तो इसका आंसर आपका 2 होना चाहिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 11, बोथ रूट्स आर रियल होने चाहिए, समझे, रियल होने चाहिए दोनों रूट, तो इसका मतलब इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब हो गया m+1 का होल स्क्वायर माइनस 4m+4, ये पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसका मतलब m² - 2m 16, 16 प्लस 1 तो -15, ये पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ से इसको फैक्टराइज करके लिख सकते हैं m - m+3 एंड m - 5 पॉजिटिव होना चाहिए, तो एम जो लाइन करना चाहिए आर रियल नंबर बट नॉट -3 से 5 होना चाहिए, सही है ना। ये सेट ए हो गया, तो जो सेट ए हो गया वो क्या हो गया, जो सेट ए हो गया वो बेसिकली हो गया -∞ से -3 यूनियन 5 से इनफाइनाइट होना चाहिए, और सेट बी क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें -3 से 5। तो अब हमें आंसर चाहिए
ए माइनस बी का, तो ए में से अगर हम बी को माइनस कर दें, है ना, ए में से अगर हम बी को माइनस कर दें तो आंसर आ जी जाना चाहिए माइनस इनफाइनाइट से ओ 5 से इनफाइनाइट आ जाएंगे। बी माइनस ए करो जरा, बी में से ए को माइनस करो, तो अगर आप बी माइनस ए करोगे तो वैल्यू आ जाएगी -3 से 5। अगर आप ए इंटू बी करोगे तो पूरा रियल नंबर आर कवर कर लेगा। अगर आप ए इंटरसेक्शन बी करोगे तो वो आपको आउटपुट में सिर्फ -3 दे देगा, बट अगर आप ए माइनस बी करोगे तो आपका आंसर आएगा माइनस इनफाइनाइट से -3 यूनियन 5 से इनफाइनाइट। तो दिस वन इज रॉन्ग, इसका मतलब विच ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, देन आंसर 3 इज नॉट ट्रू, बाकी सारे आंसर कैसे हैं सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन दिस fx = 3x -7 की पावर 2/3 इज इंक्रीजिंग व्हेन x इज लाइक विद इन, तो सीधे इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो जैसे डिफरेंशिएट करोगे तो f(x) = 3x की पावर 2/3 और +3x - 7 (2/3) और साथ में आ जाएगा x की पावर -1/3। तो यहीं पे आप एलसीएम ले लेंगे तो ये बन जाएगा 3x, है ना, और +3 × 3 तो बन जाएगा 3 × 3 तो 9x। आप एलसीएम ले लो 3x की पावर 1/3 तो बन जाएगा 9x +6x - 14, सही ना, तो ये आ जाएगा आपका 15x - 14/3x की पावर 1/3। इंक्रीजिंग है तो f(x) को ग्रेटर देन 0 कर देंगे, तो जैसे ही f(x) को आप ग्रेटर देन 0 करोगे, सही ना, तो जैसे ही आप f(x) को क्या करोगे ग्रेटर देन 0 करोगे तो आएगा 15x - 14/3x की पावर 1/3 > 0। यहाँ से आपके दो पॉइंट आ जाएंगे, एक आ जाएगा 0 और एक आ जाएगा 14/15 +(-), तो यहाँ से x का आंसर आ जाएगा -∞ से 0 यूनियन सॉरी 14/15 से इनफाइनाइट, 14/15 से इनफाइनाइट। ये वो रीजन आ जाएगा जहाँ पे आपका फंक्शन क्या कर रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर डी है। नेक्स्ट आइए लॉजिकल ऑपरेशन आपको लगाना है, तो इसमें लिखेंगे पी एम्प्लाइज कॉन्ट्राडिक्ट क्यू लेंगे, तो जैसे ही कॉन्ट्राडिक्ट क्यू लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, कॉन्ट्राडिक्ट क्यू डिविजन आर के क्यू, सही है ना, फिर इसको लिखेंगे तो बनेगा कंट्राडिक्यू कन्वेंशन कंट्राडिक्पी क्यू, तो ये बन जाएगा कंट्राडिक्पी कन्वेंशन क्यू, दिस ऑप्शन इज 4। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, 4th, ठीक है ना। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 14, डाइस थ्रोन फोर टू टाइम्स, ओके, द सम ऑफ द स्कोर अपेयरिंग ऑन द डाई इज ऑब्जर्व द मल्टीपल ऑफ 4। तो अगर हम दो बार डाई को 4 करें और नंबर मल्टीपल ऑफ 4 आ रहा है तो जो सैंपल स्पेस बन जाएगा वो हमारा बन जाएगा 1 3 या 3 1, ठीक है ना, फिर 2 2 तो भी 4 आ जाएगा, या फिर 3 1 हो गया, या फिर 4 उसमें 4 आ जाए, सही है, या फिर 1 और 5 आ जाए तो 5 और 1 भी आ सकता है, या फिर आपका 2 2 और 6 आ जाए एंड 6 और 2 भी आ सकता है, या फिर आपका 3 और 5 आ जाए और 5 और 3 भी आ सकता है। तो टोटल सैंपल स्पेस में ऑप्शन 1 आ गया। देन द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी
that the score has appeared at least. The score 4 has appeared at least 1. The score 2 dice thrown twice and the sum of score on the dice observed a multiple of 4. Okay. And the conditional probability that score 4 has appeared at least once. Score 4 appeared at least once. कम से कम एक बार आपका स्कोर 4 अपीयर्ड एट लीस्ट 1. ओके, इसका मतलब व्हेन 4 कम्स ऑन एनी डाइस तो उसका जो प्रोबेबिलिटी स्पेस हो गया वो हो गया 1, दैट इज 4 कॉमन 4. तो जो प्रोबेबिलिटी हो गया इवेंट का वो हो गया np/ns, तो आ गया 1/9. तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 1, दैट इज 1/9. नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या रहा था, सम ऑफ ए 25 टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ नेक्स्ट 15 टर्म्स. और फर्स्ट टर्म इसका क्या दिया हुआ है, 3. मान लेते हैं कॉमन डिफरेंस जो है वो आई टी है, तो 25 टर्म्स का जो सम होगा वो नेक्स्ट 40 टर्म्स के सम के बराबर होगा. नेक्स्ट 15 टर्म्स के, तो 40 टर्म्स में अगर हम इसी 25 टर्म्स का सम बनाए तो ये सम हो गया नेक्स्ट सम ऑफ नेक्स्ट 15 टर्म्स. ठीक है ना, तो इसके हिसाब से हम कह सकते हैं 2s25 इज इक्वल टू s40 के बराबर हो गया. तो इसी को हम लिख देंगे 2 × 25/2 × 6 + 24d इज इक्वल टू 40/2 × 6 + 39d. इसी पर हम सिंपलीफाई कर दें, 5 × 6 + 24d इज इक्वल टू 4 × 6 + 39d. यहीं से हम सब कह सकते हैं 30 + 120d इज इक्वल टू 24 + 156d. तो यहीं से आपका आंसर आ जाएगा 36d इक्वल टू 6. यहीं से आंसर आएगा 36d इज इक्वल टू 6. तो डी की वैल्यू 1/6 आ जाएगी, दैट इज कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी. तो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर 3 आ रहा है, 3. नेक्स्ट आइए द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिस एंड दिस दिया हुआ. तो अगर हम देखें एक्स मैक्स वो 10 है और एक्स की जो मीन वैल्यू है वो है 0, है ना. तो स्टैंडर्ड जो डेविएशन होगा, स्टैंडर्ड जो डेविएशन होगा वो कैन नॉट बी, कैन नॉट बी ग्रेटर देन एक्स एक्स मैक्स प्लस एक्स मीन बाई 2, मतलब 5 से ग्रेटर नहीं हो सकता. तो इसका मतलब 6 आंसर में नहीं आ सकता कभी भी. नेक्स्ट आई द एरिया ऑफ दिस रीजन. तो अगर हम इसमें रीजन वाइज बात करें एरिया कैलकुलेट करने के लिए, तो पहला है वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और दूसरा कर वाई में वाई इक्वल टू एक्स प्लस 1 दिस, है ना. तो ये 0 हो गया, ये हो गया 1 और यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे हाफ और एक लाइन खींचेंगे 2 और हमें एरिया चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 से नीचे का. तो जो रिक्वायर्ड एरिया आएगा वो ये आएगा और ये एरिया आएगा. तो इसका मतलब जो एरिया कैलकुलेट करेंगे रिक्वायर्ड एरिया, तो हम हाफ से लेके 1 इंटीग्रेट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स को और फिर 1 से लेके 2 इंटीग्रेट करेंगे एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स को.
तो ये इंटीग्रेशन होगा एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस एक्स, लिमिट रखेंगे हाफ से वन, एंड एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स, और इसमें लिमिट रखेंगे वन से टू। तो ये वाला इंटीग्रेशन कैलकुलेट होके आ जाएगा आपका वन बाई थ्री प्लस वन माइनस वन बाई 24 प्लस 1 बाई 2, फिर प्लस 2 प्लस 2 माइनस 1 बाई 2 प्लस 1, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 4 बाई 3 माइनस 13 बाई 24, सही है ना। और आठ, और ये आ जाएगा तुम्हारा 5/2। तो अगर इसको थोड़ा सा और सिंपलीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 79/24। इसका आंसर डी करेक्ट है, यानी 17 का करेक्ट आंसर है 79/24। नेक्स्ट आइए 18 की बात करते हैं। एक पैराबोला आपको दिया हुआ है वाई स्क्वायर इक्वल टू 12 एक्स, इस पर एक पैरामीट्रिक पॉइंट ले सकते हैं 3t² 60 एंड 4a = 12, तो 80² 280। इसी पॉइंट को p मान लेते हैं, तो p पॉइंट आ गया 3t² 60। इसी को नीचे ड्रॉप करेंगे तो ये आ जाएगा n, n भी दी फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो जो n पॉइंट होगा वो हो जाएगा 3t² drawn from P to the axis of parabola 3t, 0, फिर a line drawn midpoint of the PN, PN का midpoint लेंगे M, तो वो हो जाएगा तुम्हारा 3t² 3t parallel to the axis, तो ये वाली line हो जाएगी y = 3t, cuts the parabola at point Q, तो Q point तो y = 3t लेंगे एंड y² = 12x, दोनों का इंटरसेक्शन क्यू पॉइंट बनाएगा, तो 90² = 12x, तो x की वैल्यू आ जाएगी आप 3t² / 4, तो क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3t² / 4, 3t। अच्छा, इसके बाद इक्वेशन ऑफ एन क्यू निकालेंगे, तो इक्वेशन ऑफ एन क्यू लाइन लिखेंगे तो वो आ जाएगी वाई अपॉन एक्स माइनस 3t² = 3t / 4 - 3t², सही है। और इसका वाई इंटरसेप्ट, तो वाई इंटरसेप्ट ऑफ एन क्यू निकालेंगे, तो इसी में एक्स को क्या पुट कर देंगे, जीरो, एक्स को क्या पुट कर देंगे जीरो, तो वाई इंटरसेप्ट निकल के आ जाएगा माइनस 3t² * 3t और होल डिवाइडेड बाई 4 * 3 = 12 - 9t² / 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इससे इसको कैंसिल करेंगे, 3 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4t, इसका मतलब 4t = 4/3 आ जाएगा, तो t की वैल्यू 1/3 आ जाएगी यहाँ से, तो t अगर 1/3 आ गया तो हम सारे पॉइंट लिख सकते हैं, तो जो p पॉइंट आएगा उसका कोऑर्डिनेट क्या लिख देंगे, तो अब हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे पी एन, तो जो पी एन लेंथ होगी, पी और एन की वो लेंथ होगी 60, तो 6 × 1/3 = 2, और फिर हम कैलकुलेट करेंगे एम क्यू, तो जो एम और क्यू के बीच की लेंथ होगी वो होगी 3t² - 3t² / 4, दैट इज 90² / 4, तो इसमें टी की वैल्यू पुट कर देंगे 1/3, तो जो एम क्यू लेंथ निकल के आएगी वो आएगी 1/4, तो एम क्यू की लेंथ 1/4 आ रही है, इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर 3 हो गया, तो 18 का करेक्ट आंसर हो गया 3।
चलिए तो इसमें फोटो ऑफ परपेंडिकुलर द लाइन ज्वाइनिंग टू, सबसे पहले इक्वेशन ऑफ लाइन अगर हम लिखेंगे तो ये आ जाएगा एक्स माइनस वन बाई वन माइनस वन जीरो, वाई प्लस टू बाई माइनस टू माइनस वन एंड जेड माइनस थ्री बाई थ्री। तो बेसिकली हम लाइन को लिख सकते हैं एक्स माइनस वन बाई जीरो, वाई प्लस टू वाई माइनस वन एंड जेड माइनस थ्री बाई वन, ये हमारी लाइन आ गई। तो अगर हम जनरल पॉइंट ऑन द लाइन देखें तो हम इस पॉइंट को ले सकते हैं वन कॉमा माइनस लैम्डा माइनस टू कॉमा लैम्डा प्लस थ्री, इसी को फोटो परपेंडिकुलर कह रहे हैं। ये पॉइंट हो गया फोर कॉमा टू कॉमा थ्री, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, इसका डी आर एस जीरो माइनस वन वन दिया हुआ है। तो अगर हम कहें कि डी आर एस ऑफ इस पॉइंट को ए कह दो और इसको बी कह दो, डी आर एस ऑफ ए बी, तो डी आर एस ऑफ ए बी हो गया थ्री टू माइनस लैम्डा माइनस टू माइनस लैम्डा माइनस टू, तो फोर प्लस लैम्डा एंड थ्री माइनस लैम्डा माइनस थ्री, तो माइनस लैम्डा हो गया। अब अगर हम कहें कि ए बी एंड एल आर परपेंडिकुलर हैं तो इसका अगर दोनों के डी आर एस का प्रोडक्ट जीरो हो गया, तो थ्री इंटू जीरो प्लस फोर प्लस लैम्डा इंटू माइनस वन प्लस माइनस लैम्डा इंटू वन इक्वल टू जीरो हो गया। यहाँ से माइनस टू लैम्डा इक्वल टू फोर आए तो लैम्डा की वैल्यू माइनस टू आ गई। तो पॉइंट बी जो है वो क्या आ गया, पॉइंट बी आ गया वन कॉमा माइनस टू जीरो कॉमा वन। तो ये जो है लाई करता है ऑन द प्लेन टू एक्स प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू वन। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया फोर, यानी 19 का जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया फोर। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में माइनस पाई से पाई मॉड ऑफ पाई माइनस मॉड ऑफ एक्स को इंटीग्रेट करना है। तो ये तो इवन फंक्शन है, तो इसको हम लिख देंगे टू टाइम्स ऑफ जीरो से पाई पाई माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अच्छा ये वैल्यू पाई से तो ग्रेटर ही होगी हमेशा, जीरो से पाई की वैल्यू तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तो टू टाइम्स ऑफ जीरो से पाई पाई माइनस एक्स इंटू डी एक्स आ जाएगा। तो बन जाएगा टू टाइम्स ऑफ जीरो से पाई पाई इंटू डी एक्स और माइनस जीरो से पाई एक्स इंटू डी एक्स। अब इसी को सॉल्व कर दो तो टू ये वाला इंटीग्रेशन आ जाएगा पाई एक्स जीरो से पाई माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू जीरो से पाई, तो बन जाएगा टू टाइम्स ऑफ पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाई टू। दोनों को सिंपलीफाई कर लो तो फाइनल आंसर पाई स्क्वायर आ जाएगा, तो इसका सही आंसर आ रहा है थर्ड। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 21। ए स्क्वायर अगर हम कैलकुलेट करेंगे इसमें तो एक्स वन वन जीरो, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स वन वन जीरो से, तो ए स्क्वायर जो आएगा वो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स एंड वन जीरो करेंगे तो एक्स और वन। फिर अगर हम ए की पावर फोर कैलकुलेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स एक्स वन, इसको फिर से मल्टीप्लाई कर दो एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स एक्स और वन से, तो यही रिजल्ट कैलकुलेट होके आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स, और फिर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स, और साथ में एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब अगर हम देखें यहाँ से तो ए की पावर फोर इज इक्वल टू ए आई जे दिया हुआ है, तो इसमें ए वन वन ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू दे रखी है 109 हो गया, और एक्स जो है ना वो रियल नंबर दे रखा है। तो यहाँ से अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो टू एक्स स्क्वायर
नहीं, एक्स की पावर 4 प्लस 3x² -1080 आ जाएगा, तो इसको फैक्टराइज कर दो तो x² प्लस 9, x² प्लस 12 और x² -9 0 आ जाएगा। अच्छा, x जो कि रियल नंबर है तो x² 9 के बराबर आ जाएगा। अब हमें चाहिए a 22, तो a 22 एलिमेंट हो गया x² प्लस 1, x² 9 के बराबर, 9 प्लस 1 इक्वल टू 10। तो इसका जो आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 21 का वो आएगा 10.00। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में अगर हम करेंगे तो सबसे पहले हम इस सीरीज का सम निकालने, 1/3, 1/3 स्क्वायर, 1/3 क्यूब से लेके अप टू इनफाइनाइट तक, तो ये आ जाएगा 1/3/1 -1/3, तो ये सब निकल के आ जाएगा 1/2। ठीक है, अब इसको लिखेंगे 16/100 की पावर लॉग ऑफ 25, मतलब 5/2, और इस पूरे की पावर 1/2 आएगा। 16/100 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4/5, 4/5 की पावर 2 है ना, और ये बन जाएगा लॉग ऑफ 5/2 की पावर 1/2, तो इसी को हम कह देंगे 2/5 की पावर 4, लॉग ऑफ 5/2 की पावर हाफ कर देंगे, और इसी को सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लिख देंगे 5/2 की पावर -4, लॉग ऑफ 5/2 की पावर हाफ कर देंगे। क्लियर हो रहा है कि नहीं भाई? ठीक है, तो बाई 5 की पावर लिख देंगे इसको, यहाँ पर ये आएगा, सॉरी 2/5 की पावर 2, तो 2/5 की पावर 2 ही रहेगा यहाँ पर, है ना, तो यहाँ पर ये 2/5/2 लिख देंगे, 5/2 की पावर -2 हो जाएगा, तो इसको हम लिख देंगे 4। सही है, तो ये आंसर जो कैलकुलेट हो गया आएगा वो आएगा 4.00। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 23। द डायमीटर ऑफ द सर्कल हुज सेंटर लाइज ऑन दिस लाइन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड व्हिच टचेस द बोथ लाइन इज इक्वल टू 3 एंड 2। तो अगर हम इसके डायग्राम को कंस्ट्रक्ट करेंगे एक्सिस के हिसाब से, तो ये सर्कल जो है वो एक्स इक्वल टू 2 और एक्स इक्वल टू 3 लाइन को टच कर रहा होगा, x = 3 एंड y = 2, तो ये लाइन हो गई y = 2, ये लाइन हो गई x = 3, और इसका जो सेंटर होगा वो x + y = 2 लाइन पर कहीं लाई कर रहा होगा, ये लाइन हो गई x + y = 2, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट को हम ले सकते हैं λ, 2 - λ, ये सपोज हम सेंटर मान लेते हैं। अब चूंकि इनको टच कर रहे हैं तो यहाँ और यहाँ पर डाली गई जो परपेंडिकुलर लेंथ होंगी वो दोनों लेंथ रेडियस के बराबर होंगी, तो अगर हम यहाँ से लेंथ निकालेंगे तो ये निकल के आएगी 3 - λ, और यहाँ से अगर हम लेंथ निकालेंगे तो वो निकल के आएगी 2 - 2 - λ, ये दोनों इक्वल होंगे, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 3 - λ का मॉड इज इक्वल टू मॉड लैम्डा होगा, तो यहाँ से 2λ = 3, तो लैम्डा की वैल्यू 3/2 आ जाएगी, और अगर लैम्डा की वैल्यू 3/2 लोगे तो रेडियस 3/2 आ जाएगा, तो जो डायमीटर आ जाएगा वो 3 आ जाएगा। अभी क्वेश्चन में हमें सर्किल का डायमीटर ही कैलकुलेट करना है, तो एग्जैक्ट आंसर 3.00 आ जाएगा। नेक्स्ट आइए लिमिट का क्वेश्चन है, तो इसमें अगर हम इसको देखें तो फैक्टराइज
इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं, तो इसको फैक्टराइज करके लिख देंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 वन माइनस कॉस एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर बाई 4 होल डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 8 आ जाएगा। तो यही बन जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 टू साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 4 इंटू 2 साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 8। सही ना, यहाँ पे हम इसको कर देंगे एक्स स्क्वायर बाई 4 का होल स्क्वायर, तो 16 एडजस्ट कर लेंगे, और यहाँ पर हम इसको कर देंगे एक्स स्क्वायर बाई 8 का होल स्क्वायर, तो 64 एडजस्ट कर लेंगे। तो यहीं पे सिंप्लीफाई होके ये वाली लिमिटिंग वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ये वाली लिमिटिंग वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1, तो यहाँ से आंसर आएगा 4 अपॉन 16 इंटू 64, तो अल्टीमेटली 2 की पावर -8 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी के की 0.08, के की वैल्यू क्या आ जाएगी 8। लास्ट क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 में अगर हम 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई को सिंप्लीफाई करें तो 1 प्लस आई का होल स्क्वायर बाई 2 है ना, ये निकल के आ जाएगा 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2 आई बाई 2, तो ये रिजल्ट आई हो जाएगा। इसका मतलब आई की पावर एम बाई 2, तो आई की पावर एम बाई 3 हो रहा है, तो इसका मतलब एम बाई 2 तो लीस्ट वैल्यू, ये दोनों वन के बराबर, तो लीस्ट वैल्यू ऑफ एम जो है वो हो जाएगा 8, और लीस्ट वैल्यू ऑफ एन जो है वो हो जाएगा 12, एंड एचसीएफ ऑफ 8 एंड 12 निकालोगे तो आ जाएगा 4। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा वो आएगा 4.00, ये हो गया। ठीक है, तो ये पूरा सोल्यूशन आप मैच कर लीजिएगा, इसमें कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसको आप चैलेंज कर सकें।